राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन का अभियान चलाने के लिए सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती मॉडल अभियान के बाद जिले में अवैध कब्जा के भूमि को मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि विवाद रहित घोषित होने के बाद गांव से कोई भूमि विवाद न आए। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में आए जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए लगभग 16,000 लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 16,000 आवेदन पत्र हैं जो समय सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि IGRS पोर्टल पर जिले में अधिक शिकायतें आती हैं, इसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार अपने मुख्यालयों में रात्रि निवास करें। कैंपियरगंज एवं सहजनवा में आवास नहीं है, आवास के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। लेखपाल डायरी में मेंटेन करें जिसका नियमित निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने सदर तहसील में बिजली तार स्पर्श में मृतक दोनों युवकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए बिजली विभाग को निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि फसल ऋण मोचन योजना में लाभान्वित किसानों को RC बैंक के साथ समन्वय स्थापित कराकर समाप्त कराएं। जिलाधिकारी ने बैठक में कर मुकदमों का निस्तारण, RC के सापेक्ष वसूली, ऑडिट आपत्ति, विभागीय कार्रवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की समीक्षा किया तथा उसे समय से पूरा करने के निर्देश दिए। असेसमेंट तो मैं सही करिए, मतलब जो भी बात हुई उसके कारण डिमांड कम ना हो, लक्ष्य बढ़ता है या घटता है। लेकिन यदि एक्सेस डिमांड कोई आ रही है या फिर कम करना, फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगा। एक बार और सोच लीजिए कि उन्होंने भेज दिया है वो भी अच्छा के हिसाब से साजिलों में 66% कैसे निकाल 66% प्रगति है। ये सर ये मिले थे तो उसमें से इन्होंने 96,51,000 बांट दिया सर, और 2 हेक्टेयर से कम में सर इन्होंने कोई नहीं बांटा है। 2 हेक्टेयर से ऊपर में 22 सर, 22 हेक्टेयर के ऊपर तो एक तो भी नहीं बांटा है, सिर्फ एक है सर और 44 ने बांटा है। रेस्ट डिमांड मात्र 4 टारगेट सर, इसमें सहजनवा, कैंपियरगंज, खजनी 3 तहसीलों ने 2 हेक्टेयर से ऊपर के किसी भी कार्य का बेनिफिशियल तैयार या स्वीकृति नहीं किया। एक तो बांटने में कोई दिक्कत है भाई सर, ये कहा गया था पहले सर कि लघु सीमांत वाला बांटा जाएगा और 2 हेक्टेयर से ऊपर वाला बाद में बांटा जाएगा, इसलिए हम तो उसी गांव का लघु सीमांत लोगों ने दिक्कत हुआ है। गाँव में भी सर पहले छोटे किसान है, उन्हें तो सर एक होना ठीक नहीं है, चलिए आपको लाजिक तो समझ आ रहा है, बट उसको तो बंटवाइए तो कैसे दें। कैंपियरगंज में तो सबसे ज़्यादा आपको ही बंटवाना है, सबसे बड़ा यहाँ से 4% है। 4 टोकन अभी सर यहाँ भेजा हूँ, अभी वो 4 टोकन नहीं मिले हमको, 2 टोकन अभी मिल पाए, 4 टोकन हमारे अभी टोकन राइट किस चीज़ के जब हमको टोकन अलाट होगा तब हम खाते में पैसा वहाँ से डिस्बर्स करें। तो PFMS में फ्री आपने ऑलरेडी यहाँ से सबमिट कर दिया है, टोकन का कोई इशू नहीं है। 13 करोड़ रुपया आपको बटना है, 7 करोड़ मिला है आपको, 7 करोड़ में कितने बट चुके हैं आपने? उसमें 1,49,00,000 का मैंने भेज दिया है सर। 7 करोड़ 23 लाख में अब उसमें सर जैसे टोकन सर टाइमली न मिलने की दिक्कत आ रही है, जैसे हमारे पास सर 4 कंप्यूटर है, 4 बेनिफिशियरी मिल गए में वो लगातार कंटिन्यू, अगर हम 2 गांव क्लिक करें तो वो उसी के नीचे दूसरा वाला लेता चला जाता है, लिस्ट लंबी हो जा रही है।